आजकल जैसा सुनते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और कल्चर में, सिनेमा में, किताबों में और न्यूज़पेपर्स में सब पढ़ के ऐसा लगता है कि किसानी और गरीबी लगभग एक ही वर्ड पर्यायवाची है। तो ये इस दुर्दशा के क्या कारण है और ऐसा परसेप्शन क्यों क्रिएट हुआ? बहुत बढ़िया, ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखना होगा। तो आप किसानी को देखें तो एक पूरी लाइफ स्टाइल, उस लाइफ स्टाइल माने पूरे गांव की लाइफ स्टाइल, किसानी माने पूरे गांव करता है, परिवार और गांव के संयुक्त। तो जैसे हल का कुछ अंग एक परिवार बनाता है, कुछ अंग दूसरा परिवार बनाता है, इस तरह से पूरा हम बराबर की हैसियत से और मिलजुल कर हंसता खेलता हुआ व्यवसाय है, इसी को डांसिंग कल्चर कहते हैं। आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सारी पूर्णताएं जहाँ पर उपलब्ध हों, पूर्ण तृप्ति हो जाए, वैसे ऐसे स्थान को कैसे इस दुर्दशा में पहुंच गया कि अब कोई गांव में रहना नहीं चाहता है, खेती करना नहीं चाहता है, खेती घाटे का सौदा हो गई और आत्महत्या कब के रूप में किसान खर्चा लगा। उसके मूल में पहला कारण तो यह है कि जब यहाँ आर्य आए और वर्ण व्यवस्था आई तो पहली छाती की थी गांव के समाज में वर्ण स्थापित करने के लिए, तो सवर्ण करने के लिए एक प्रयास किया गया। और आप तो जानते ही हैं कि राम के आने के बाद फोर्सफुली वर्ण व्यवस्था बन गई। उसके पहले जितने राजा थे वो राजा के जो संपत्ति में आने और कार्यों का विभाजन कर दिया गया था कि इस तरह के कार्य करने वाले को ये कहा जाएगा, उस तरह के कार्य करने वाले को ये कहा जाएगा, और जो वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं होते थे उनको अंत्यज कहा जाता था। तो पहली कील वर्ण व्यवस्था, फिर दूसरी कील सीधे 1836 के आसपास के वो बने कानून, तो 1796 के आसपास जब बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा, पहली बार अंग्रेज जी, तो वहाँ पर एक लैंड सेटलमेंट एक्ट लागू किया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के पहले हिंदुस्तान में किसी की व्यक्तिगत ज़मीनें नहीं होती। फिर इसके बाद वो बंगाल के बाद बिहार जीते, बिहार के बाद पूरे देश में धीरे धीरे फैलते गए और कहीं महालवाली के नाम से, कहीं रैयतवाली के नाम से, कहीं ज़मींदारी के नाम से, अलग अलग नामों से। बेसिक फंडा उसका ये था कि उनको जितनी ज़मीन थी वो व्यक्तिगत हो और उससे टैक्स मिले। तो टैक्स के लालच में वो सारी ज़मीनों को व्यक्तिगत कर दिया। तो दूसरी छाती की थी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में जो ज़मीनों को इस देश में व्यक्ति, उसके पहले एक भी उदाहरण पूरा पूरे लिखित वांग्मय में हिंदुस्तान में नहीं पाएंगे कि ज़मीनें व्यक्तिगत थी, वो परिवार की थी। जब परिवार गांव छोड़ के चला जाता था तो वो गांव की हो जाती थी और परिवार में जो भी बना रहता था वो अपना करता था, दो चीज़ें बेची और खरीदी नहीं जाती थी, गाय और ज़मीन। इसको दान लेते देते थे लोग लेकिन बेचने की कोई परिकल्पना नहीं। तो दूसरी छाती की कील जमीन का व्यक्तिगत होना, और उसमें क्या किया इन्होंने, इसकी ज़मीन उसको दे दी, उसकी ज़मीन उसको दे दी, जिसने 3 साल की इकट्ठा दे दिया, 10 साल का इकट्ठा टैक्स दे दिया, उसको कुछ कहते थे हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते थे, उसको बाकी कहते थे, जिसने 3 साल की बाकी दे दी, 5 साल की बाकी दे दी हमारे एरिए में, बुंदेलखंड एरिए में, तो उसके दे देती थी। तो इसकी ज़मीन छीन के उसको, उसकी ज़मीन छीन के उसको दे दिया, तो बीच में बड़ा एकदम से कॉन्टेस्ट की स्थिति आ गई पूरी गांव में। इसका प्रमाण कहाँ उपलब्ध है, 15,000 अप्लीकेशनें अभी भी भारतीय सेना के जवानों की रखी हुई हैं डिटेल, जिसमें यह लिखा गया है कि मेरे गाँव में सरकारी पटवारी जाता है और वो इसकी ज़मीन छीन के उसको दे देता है और बड़ा अत्याचार कर रहा है, इस पर कुछ किया जाए। चूँकि सैनिक हमारे किसानों के बेटे ही थे ब्रिटिश इंडिया की फौज में, और वो ये मानते थे कि ये सरकारी आदमी है, हमारी बात वहाँ पहुँचा देंगे, तो वो पहुँचाते थे। और 1857 का जो रिवेल है, मेरी पक्की अवधारणा यह है कि यह किसानों का रिवेल था और बाकी बहाने हो गए थे। तो 1857 का जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, जो गांव-गांव पर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के कारण जो स्थितियां पैदा हो गई थी, उन स्थितियों के कारण किसानों ने आंदोलन किया। लेकिन किसानों ने चूंकि इतना बड़ा आंदोलन किया गया था, तो 1859 के बाद जितने कानून बने आप देखिए, सारे के सारे कानून किसानों को लड़ाने वाले, आपस में बांटने वाले बने।
क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर किसान यूनाइट हो गया तो हम रह नहीं पाएंगे, तो दूसरी छाती की ये।